Welcome to KS Academy. So welcome guys, welcome to KS Academy. आज फिर एक नए कॉलेज का रिव्यू लेके आपके सामने आ गया हूँ. देखे वो नया कॉलेज कौन सा है, चलो करे फिर उठाटे. So आज का जो कॉलेज है वो है BVCOE, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि पश्चिम बिहार में है ना. पश्चिम बिहार में एक कॉलेज है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले. सबसे पहले मैं फीस की बात कर रहा हूँ. So, इस कॉलेज की जो फीस है वो कुछ 115,700 इसकी फीस है, जिसमें कॉलेज की फीस 97,000 है, यूनिवर्सिटी की फीस यूनिवर्सिटी अदर ड्यूज 12,000 है एंड 1,000 अदर ड्यूज करके है कुछ, ठीक है. तो कॉलेज की फीस 115,700 है, ठीक है. इसके बाद अगर मैं इस कॉलेज की बात प्लेसमेंट या इन सब चीजों की बात करें, सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. सो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, सो प्लेसमेंट इस कॉलेज की कुछ 5-7 लाख तक के देती है, अच्छी प्लेसमेंट कराती है, ऐसी बात नहीं है. कॉलेज की प्लेसमेंट काफी अच्छी है. पैकेज 5-7 लाख, इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 5-7 लाख के बीच में कह रहा हूँ, कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 5-7 लाख के बीच में ये लोग प्लेस करा देते हैं. सो मेरे को लगता है कि इससे अच्छी कोई बात नहीं है यार, कि अगर हम फीस दे भी रहे हैं 115,000 चार साल की, तो कुछ मान के चलते 5 लाख दे रहे हैं, तो एक साल में हम वो कवर भी कर रहे हैं क्योंकि पैकेज उसका 5 लाख है, ठीक है. सो अच्छी बात है. फैकल्टी की बात करें, फैकल्टी इस कॉलेज की बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है. फैकल्टी इस कॉलेज की अच्छी है, सपोर्टिव है, नॉलेज है इस फैकल्टी को, ऐसी बात नहीं कि नॉलेज नहीं, फैकल्टी को नॉलेज अच्छी खासी है. अब मैं बात करता हूँ ग्राउंड की, कॉलेज का ग्राउंड है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस कई बार होते हैं कि नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कॉलेज का डिसिप्लिन है, इसलिए कई बार होता है कि बच्चा सारा दिन ना खेलते रहे, सो कई बार रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि ग्राउंड नहीं यूज कर सकते. सो ग्राउंड में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ग्राउंड है वही बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है. आगे बात करें हम कॉलेज की कैंटीन की. सो कैंटीन कॉलेज की अंदर 5 कैंटीन्स है, ठीक है. सो कॉलेज के अंदर 5 कैंटीन्स है, और पांचों की पांचों अच्छी है. सो कैंटीन में जाके मत बैठ जाना, कैंटीन वैसे है अच्छी. रूम्स की बात करें, रूम्स कॉलेज एसी वाले प्रोवाइड करते हैं, हर रूम कॉलेज का एसी लगा हुआ है हर रूम में. सो रूम भी अच्छा खासा है, कैंटीन भी हो गया, ग्राउंड भी हो गया, तो यार सारी चीज अच्छी. वाईफाई भी देता है ये कॉलेज, हर स्टूडेंट वाईफाई एक्सेस कर सकता है, नॉलेज गेन कर सकता है वाईफाई से. अब थोड़ी सी सीरियस बात वो ये है कि कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी है, स्ट्रिक्टनेस है अटेंडेंस से रिलेटेड. सो अच्छी बात है, अगर फैकल्टी पढ़ाती जब भी अटेंडेंस यार कंपलसरी रखी हुई, तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज कहते हैं अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है. सो तुम पे डिपेंड करता है कंपलसरी इस कॉलेज में है, अगर तुम्हें जाना डेली का है तो अटेंडेंस से कोई मैटर तुम्हें होना चाहिए. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, गारंटी मैं लेता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हर कॉलेज से सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर इस कॉलेज में होती है एक्टिविटीज, ठीक है. सो ये इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके बेसिस पे कि क्या है, मैं तो बस बता रहा हूँ हर पॉइंट्स. बुक बैंक और लाइब्रेरी की बात करूं, तो बुक बैंक और लाइब्रेरी में डिफरेंस है. देखो हर कॉलेज में ये चीज याद रखना कि बुक बैंक जो आपको बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड लाइब्रेरी जहां से आप बुक कोई भी इशू करा लो. सो बुक बैंक इस कॉलेज की अच्छी है, फुली फंक्शनल बुक बैंक एंड लाइब्रेरी इस कॉलेज की, आपको बुक्स मिलती रहेगी. ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात करें, साफ पानी है, ठंडा पानी है, टाइम टू टाइम सर्विस होती रहती है इसकी. सो ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छा है, बुक बैंक भी अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर बता दिया सबसे ज्यादा अच्छी है, इसके पॉइंट सब अच्छा. हाँ फीस थोड़ी सी ज्यादा है, फीस थोड़ा ज्यादा है, बाकी लगभग ये कॉलेज आपके हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छा है, ठीक है. कि प्लेसमेंट अगर 5-7 लाख दे रहा है, मेन मुद्दा हमें चाहिए होता है कि क्या हमें जॉब मिलेगी. सो मोस्ट ऑफ द बच्चों को 5-7 लाख प्लेसमेंट दे रहा है. सो आई होप बेझिझक आप ले सकते हो ये कॉलेज अगर लेना चाहो, बाकी है पश्चिम बिहार में, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, फिर भी किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू.